हेलो भाइयों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्टडी कोच 91 के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यूपी पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है, जो कि कानपुर के न्यूज़पेपर हिंदुस्तान में आ रही है आज की डेट में, 8 फरवरी 2022 की डेट में। ठीक है दोस्तों, आप सभी लोग इस वीडियो के साथ पूरा एंड तक बने रहिएगा, आप लोगों को पूरी अपडेट मिलेगी जानने को। तो भाइयों, क्या है अपडेट आप लोगों को मैं दिखा दूं, पेज नंबर 8 पर है हिंदुस्तान के न्यूज़पेपर। अगर आप कानपुर के हैं तो आप सभी लोग देख सकते हैं अपने न्यूज़पेपर में, जो भी आपका न्यूज़पेपर हिंदुस्तान का आता हो। ठीक है, नहीं तो कहीं भी जाकर के अगर आप नहीं हैं तो भाई हम तो बताने ही वाले हैं क्या है अपडेट। आप सभी लोग बने रहिए इस वीडियो के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं पॉलिटेक्निक छात्रों को इंटर्नशिप में मददगार बनेंगे संस्थान। ठीक है, अब हम आप लोगों को इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। ठीक है दोस्तों, विस्तार से बताने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि भाई इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, लेटेस्ट अपडेट वगैरह को सबसे पहले पाने के लिए। तो कानपुर से ये न्यूज है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी AICTE ने स्टूडेंट्स इंटर्नशिप पॉलिसी के अंतर्गत पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा करने वाले छात्रों के लिए भी इंटर्नशिप ज़रूरी कर दी है। जो पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा कर रहे हैं उनके लिए भी इंटर्नशिप अब ज़रूरी हो गया, उनको भी इंटर्नशिप अब करना पड़ेगा। ठीक है, इस नई व्यवस्था में अब प्रदेश भर के पॉलिटेक्निक संस्थानों से डिप्लोमा करने वाले छात्र छात्राओं को अब इंटर्नशिप कोर्स भी करना होगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिए, सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद सुनील सोनकर के मुताबिक इसके लिए पॉलिटेक्निक संस्थान के प्लेसमेंट अधिकारी और छात्रों को AICTE के इंटर्नशिप पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। ठीक है, जो आप लोग छात्र यानी स्टूडेंट्स और साथ में प्लेसमेंट अधिकारी को जो है AICTE इंटर्नशिप के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, ये तो आप लोगों के कॉलेज से अपडेट मिलेगा, आप लोग चिंता मत कीजिए। बाकी न्यूज़पेपर में क्या अपडेट दिया गया है आप लोग देख लीजिए। छात्रों को इंटर्नशिप मौके उपलब्ध कराने के लिए इन संस्थानों को कम से कम 5 उद्योगों के साथ MOU भी करना होगा। भाई 5 कंपनियों के साथ MOU करना होगा। अब आप लोग कन्फ्यूज होंगे कि MOU क्या होता है। ठीक है, MOU का फुल फॉर्म बताऊँ तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग से, अगर इसका हिंदी नाम बताऊं तो इसका मतलब समझौता ज्ञापन होता है। ठीक है, मतलब कि दोस्तों सीधा बात आपको बताऊं कि एक एग्रीमेंट होता है जो कि कॉलेज और कंपनी के बीच में दोस्तों किया जाएगा, कि जितने भी आपके कॉलेज से यानी कि जो कॉलेज करेगा एग्रीमेंट जिस भी कंपनी से, यही एग्रीमेंट होगी कि मेरे कॉलेज से जितने भी छात्र पढ़कर निकलेंगे या जितने भी छात्र पास आउट होंगे वो उस कंपनी में इंटर्नशिप करेंगे। ठीक है, तो ऐसा जो है एग्रीमेंट कराया जाएगा कुछ, जो कि 5 उद्योगों के साथ में यहाँ पर दिया गया MOU करने का होगा। ठीक है, ताकि पढ़ाई पूरी होने के बाद छात्रों को जो है भटकना ना पड़े और MOU वाले उद्योग छात्रों को जो है इंटर्नशिप करने का अवसर देंगे। ठीक है, MOU मतलब आप समझ ही गए होंगे, एग्रीमेंट एक हिसाब से सीधा कि मेरे कॉलेज से जितने भी छात्र पढ़कर पास आउट होंगे उनको आपको इंटर्नशिप कराना पड़ेगा। अगर ऐसा बाद में नहीं करता है भाई और ये MOU साइन हो चुका है तो भाई कॉलेज जो है उनका लीगली एक्शन ले सकता है कोर्ट में पेश होकर के। ठीक है, बाकी दोस्तों इस वीडियो में यही है कि अब सभी स्टूडेंट्स के लिए इंटर्नशिप करना ज़रूरी हो गया, जो भी डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं इस समय पढ़ाई कर रहे हैं। तो दोस्त यही आ रही है लेटेस्ट अपडेट जो कि कानपुर के न्यूज़पेपर हिंदुस्तान में। ठीक है, बाकी अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद तो प्लीज इस वीडियो को भाई लाइक कर दीजिएगा, और लेटेस्ट अपडेट को पहले पाने के लिए आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं फिर हम आपसे अगली अपडेट में अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।